गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर गाइड चैनल्स। तो आज कार्बन कंपाउंड जो पढ़ा रहे थे आपको हम, उसका सेकंड लेक्चर है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप तक कंप्लीट करा चुका था, और इस लेक्चर्स में आपको नॉमनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो कार्बन कंपाउंड में कुछ केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि कॉम्बशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपका एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब चीज़ डिस्कशन होने वाला है इस लेक्चर में। और फाइनली जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें आप पढ़ोगे इथेनोइक एसिड के पूरे प्रॉपर्टी प्रिपरेशन, उसके बाद इथेनॉल, और आपका फाइनली सॉप्स एंड डिटर्जेंट पे ये चैप्टर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका नॉमनक्लेचर से हम लोग, ठीक है। तो जो भी परेशानी होगी आपको, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे फंक्शन ग्रुप पढ़ा चुके हैं, बाकी सारा चीज़ का डिस्कशन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आज पढ़ाने वाला हूँ नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर जो है, सबसे पहला जो नॉमनक्लेचर है वो है विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो हम नॉमनक्लेचर करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होने का मतलब, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, तो ये सब आपको एब्सेंट होंगे। बाकी जो एज ए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को भी, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या होगा, हो सकता है इसमें इंक्लूड हो। तो ध्यान देंगे हम नॉमनक्लेचर। तो सबसे पहला है कि नॉमनक्लेचर जब भी करते हैं तो इस का जो कैसा नॉमनक्लेचर हम लोग करते हैं, IUPAC, आप जानते हैं ये एक संस्था है जिसके तहत हम लोग नॉमनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। कोई भी नया चेंज आने वाला होता है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे चेंज होता है, उसके बाद हम लोग भी किताब में भी चेंज होता है, हम लोग उस चेंज को भी मतलब कि पढ़ा करते हैं। तो पहला बात है, रूल है, कुछ भी IUPAC ने क्या किया है, एक रूल बना के रखा है कि हमको इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमनक्लेचर करना है, तो उस रूल को हम लोग फॉलो करते हुए नॉमनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया करते हैं। तो वही आज भी हम लोग करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए, आसान तरीके से आप कोई भी नॉमनक्लेचर को टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि रूल वन, सबसे पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लंबा चेन कार्बन एटम का सेलेक्ट, और एक चीज़ याद रखें ड्यूरिंग नॉमनक्लेचर, आप जैसे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6, C7, C8, C9, C10, तो इसका एक नाम दिया गया। एक कार्बन को आप बुलाते हो क्या, मिथ हो गया, इथ हो गया, प्रॉप हो गया, तीन कार्बन को ब्यूट बुलाते हैं, चार कार्बन को, पांच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। इतना ही में काम हमारा चल जाता है, आगे भी होता है यूनिडेक, डो डेक, ट्राई डेक, लेकिन हम लोग यहाँ तक काम चल जाएगा। रूल वन ये कहता है कि सबसे पहले आप लंबा चेन कार्बन एटम का सेलेक्ट करो, ठीक है। तो लंबा चेन क्या है, सी है, सी है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहला एकदम सिंपल नंबर लीजिए ऐसा, तो इसमें क्या है, आप किधर से भी, किधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, लेंथ वही मिलने वाला है कार्बन का लेंथ, क्या कार्बन चेन का लेंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, क्योंकि 6 के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हेक्स, हेक्स यूज कर लिए हैं। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं। तो सिंगल बॉन्ड को आप क्या बुलाते हैं, ANE। अब सिंगल बॉन्ड को क्या बुलाना है हम लोग को ड्यूरिंग नॉमनक्लेचर, ANE। तो हेक्स में क्या करना है, ANE को जोड़ देंगे, क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, इज इट क्लियर। और बाकी के जो बॉन्ड सेटिस्फाइड करेंगे कार्बन का, अगर कुछ भी नहीं है तो कौन करेगा, हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन होगा, जैसे कि यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। ये एक ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया है, क्लियरली ओपन दिख रहा है बॉन्ड के साथ। थोड़ा इसको क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, CH3, CH2, 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 CH2 और लास्ट में CH3, इसको बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर।
बीच में बॉन्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आइदर ये हो गया ओपन स्ट्रक्चर, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट लेता है, इसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट नोमेनक्लेचर अमंग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे सिंपलेस्ट नोमेनक्लेचर ये हो गया। तो ये अल्केन का, एक्चुअली हम लोग अल्केन का ही नोमेनक्लेचर से शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे अल्केन का हो गया। अब मान लें कि अब रूल आता है लंबा चेन, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम खोजना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि 1 2 3 4 पहला रूल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये हमारा एक लंबा चेन सेलेक्ट हुआ, ये हमारा एक लंबा चेन सेलेक्ट हुआ। तो जिस जो लंबा चेन को आप क्या बुलाते हो, पेरेंट चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। और जो लंबा चेन के अलावा कुछ चेन मिल रहा है, जैसे मान लें कि इधर वाला ये वाला, तो ये वाला जो चेन दिख रहा है इधर वाला, एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन है ये, इसको बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग लॉकेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉकेंट्स भी बोलते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। तीन तरह से आप इसको बुला सकते हो साइड चेन को। और लंबा चेन को हम लोग बोलते हैं मेन चेन, क्या बोलते हैं, मेन चेन बोलिए, पेरेंट चेन बोल सकते हैं इसको, पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग प्रिंसिपल चेन के नाम से भी जानते हैं। तो मेन चेन, पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल चेन, साइड चेन का भी तीन नाम हो गया, इसके लिए भी तीन नाम हो गया, ठीक है। ये पहला रूल आपका कहता है पहले लंबा चेन को सेलेक्ट करो, क्लियर हो गया। दूसरा रूल में आते हैं, रूल सेकंड कहता है कि अब हम मान लें कि काउंट किधर से करें। रूल सेकंड कहता है लंबा चेन तो मेरा सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं इधर से जाऊं या फिर इधर से जाऊं, तो बात आता है कि ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 देखिए कि साइड चेन कहां से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से जाने पे क्या इधर से जाने पे, ध्यान देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, इधर से भी जा रहे थे चौथे पोजीशन पे, उधर से भी चौथे पोजीशन पे, पहले नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से ही नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो आइधर इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, ये कार्बन जो साइड चेन है फोर्थ पोजीशन पे है, तो यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री हो कि इधर से भी काउंट कर सकते हो। तो फोर पे हम चलिए इधर से ही चलते हैं, तो फोर पे साइड चेन आ गया, ये रूल कहता है रूल सेकेंड में, ध्यान दें ज़्यादा दिखा दे रहे हैं आपको हम, रूल सेकेंड आप समझ लो कि काउंटिंग उधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका साइड चेन जो होगा, साइड चेन लोएस्ट पोजीशन पे होगा, लोएस्ट पोजीशन पे साइड चेन आना चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर सेकेंड, ठीक है, रूल नंबर सेकेंड ये है साइड चेन पे, ध्यान देंगे। अगर बोलेगा इसका नाम लिखने के तो क्या लिखेंगे आप, तो ध्यान देंगे कि फोर्थ पोजीशन पे एक कार्बन, तो एक कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन होंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, तो CH3 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ तीन हाइड्रोजन होगा तो CH3, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड और होगा तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी होगा दो बॉन्ड है तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे लास्ट में CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो आपने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 और 7, तो फोर पे कौन सा ग्रुप मिला, CH3, CH3 बोलते हैं मिथाइल ग्रुप को, CH3 स्टैंड फॉर मिथाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर पे क्या आ गया, फोर मिथाइल, और ओवरऑल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सात का मतलब हेप्ट है, सात का मतलब क्या है आपका हेप्ट है, हेप्ट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE हेप्टेन, तो ये हो गया फोर मिथाइल हेप्टेन, इट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज इट क्लियर। रूल नंबर सेकंड से आपको मिला चुके हैं, रूल नंबर थर्ड करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, इतना आपको थोड़ा सा स्लो बताया और थोड़ा सा हल्का सा हमारे साथ आप फास्ट बने रहें, ताकि रूल नंबर ये कहता है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे 1 2 3 हमारे ऐसे मिल गए ऐसा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, और एक दे दी, 8 दे दी।
अब देखिए सबसे लंबा चेन आप कौन इसको पकड़ के रखिएगा लंबा चेन, तो लंबा चेन आपका क्या बन गया, ध्यान देंगे ये एक लंबा चेन में काउंट हो रहा है, ये एक लंबा चेन में आ रहा है काउंट हो रहा है, समझ रहे हैं, ये लंबा चेन में काउंट हो रहा है, बाकी ये वाला चेन साइड चेन है, तो एक दो दो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हो गया साइड चेन। साइड चेन में क्या आ रहा है, देखिए सी टू है, सी टू और एच फाइव साइड चेन में ये है, एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, सी टू एच फाइव है तो इथाइल है, क्या है ये, इथाइल ग्रुप है। तो देखिए अब काउंटिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 पे जाता है इथाइल, इधर से करते तो 4 पे जाता है, इसलिए हमको किधर से चलना है, लोएस्ट पोजीशन की तरफ से चलना है, तो 4 पे इथाइल हो जाएगा, 4 पे आपका इथाइल हो जाएगा, क्योंकि 8 का है तो ऑक्ट है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 4 मिथाइल ऑक्टेन हो गया करेक्ट आईपीएससी में, क्लियर हो गया। फिर देखिए रूल नंबर 3 में हमारे, ये तो आपको एग्जांपल देकर समझा दिए, थर्ड कहता है कि ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कीजिएगा, मान लें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के देख रहे हैं, मान लें यहाँ पे भी एक सी है, यहाँ पे भी सी है, तो सी जहाँ पे अगर एक सी रहेगा ठीक है, तो मिथाइल 2 सी आ जाएगा, तो इथाइल 3 आ जाएगा, तो कहीं पर अगर लटका हुआ सी के फॉर्म में एक सी लटका हुआ है तो मिथाइल में कौन सा, देखिए आप लंबा चेन देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3, लंबा चेन हमारा ये मिला 1 2 3 4 5, एक इधर से भी है, इधर से भी लंबा चेन है 1 2 3 4 5, लेकिन हमको कौन वाला लंबा चेन लेना है, जिधर से हमारा एलोकेंट्स जो कि ये देख रहे हैं ऊपर और नीचे लोकेंट सब्सटीट्यूएंट साइड चेन नज़दीक पर उधर से जाना है, तो ये चलिए हम लोग चलेंगे इधर से। अब देखिए रूल थ्री में क्या सीखने को मिलेगा आपको, ध्यान देंगे कि एक ही कार्बन पे दो गो, यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच थ्री है, या एक कार्बन होगा तो चारों तरफ 3 हाइड्रोजन होगा, तो देखिए तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो कार्बन पे यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल, तो इसके लिए रिपीट करते हैं 2 2 2 2 हो गया, दो है तो डाई लगाएंगे, 3 रहता तो ट्राई लगाते, 4 रहता टेट्रा लगाते, तो 2 2 क्योंकि एक ही का उसी कार्बन पे है तो 2 2 रिपीट हो गया, कितना है 2 है तो डाई मिथाइल, और 5 है तो पेंट क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये होगी इस टाइप का एक होगी अगर एक ही पे रहा। अब दिखाई देंगे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो लंबा चेन देखिए 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी है, थोड़ा और क्या करते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो लंबा चेन हमारा आ रहा है 1, काउंटिंग कीजिएगा इधर से ये नज़दीक पड़ रहा है, इधर से दूरी पे आ जाएगा, इधर से देखिए 1 2 3 फोर्थ पे है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे ही है, 3 4 5 6 7, तो क्योंकि 3 पे भी है 4 पे भी है तो 2 जगह है, तो लिखिएगा 3 4, 2 जगह है मिथाइल, मान लिया सी एच 3 होगा, ओपन कीजिएगा तो इसको चारों तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे तो 3 4 डाई मिथाइल, 2 जगह है 3 4 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा 7 है तो हेप्ट हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, हेप्टेन हो गया, क्लियर, ये इस तरह से आप कर लेंगे नॉमेनक्लेचर, सिंपल सा साधारण सा नॉमेनक्लेचर, ये हो गया। आप ध्यान देंगे कि अगर हम अल्केन वाला आप देख चुके हैं, इस तरह से नॉमेनक्लेचर आप कर लीजिए, इतना काफ़ी है समझने के लिए, आप कोई भी बुक देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब डबल बॉन्ड वाला बात आता है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड में देता हूँ, तो डबल बॉन्ड की खासियत ये, कहीं पे डबल बॉन्ड आपको दिख गया, हमारे यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम लोग उधर से काउंटिंग करेंगे, देखिए लंबा चेन तो हर जगह यूज होगा, वो कहीं भी दुनिया का कितना बड़ा बड़ा भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप करो, 10 करो, 11 करो, 12 करो, आगे करो, सबसे पहला प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन को मिलता है, उसके बाद सारा रूल वही यूज होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, फिर बता दे रहे हैं, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जिधर से ये नज़दीक पड़ जाएगा, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जिधर से नज़दीक पड़ जाएगा काउंटिंग उधर से आपको करना है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5, याद रखना हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखा रहे हैं, आपको समझ लेना है कि कार्बन अधूरा नहीं रहता, उसके आसपास क्या होते हैं, हाइड्रोजन मिला के 4 बॉन्ड पूरा कर लेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, डायरेक्ट लिख सकते हो पेंट लिख लेना, क्योंकि एक जगह डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा पेंट,
इन आएगा इन, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं पेंट एक दो, दो पोजीशन पे क्या है इन है, पेंट टू इन, क्लियर हो गया। सिमिलरली एक जगह हम देख देखते हैं यस डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दिए, सपोज यहाँ पे लिख दिए तो वन टू थ्री, यहाँ पे देखिए इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा क्योंकि छः वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, सेक्टर सेवन का मतलब हेफ्ट हो जाएगा और एक दो तीन, तीन पे हेफ्ट थ्री इन हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि एक जगह है, एक जगह रहता है तो मेंशन नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो तो हेफ्टीन हो जाएगा या फिर हेफ्ट थ्री इन हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यही बॉन्ड अगर डबल हो जाए, दो जगह आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है तो काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है इधर से है, वन टू थ्री फोर फाइव पाँच है तो पेंट हो जाएगा। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट करे तो इसको बोलते हैं वर्ड रूट, इसको क्या बोलते हैं इथ मिथ क्या है वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट में हम क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं जब जब रिपीट करें तो पेंट है उसमें ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटा। कितने कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है और थ्री पोजीशन है, पेंटा वन थ्री इन नहीं लिख सकते क्योंकि दो जगह है तो डाई इन, डाई का मतलब दो, डाई इन हो गया, अभी खत्म हो गया कॉम्प्लीकेशन। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या लिखेंगे कि वन टू थ्री फोर फाइव, पेंट टू पे क्या है आइन है, पेंट टू आइन, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे आइन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन पेंट टू आइन, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि एक जगह है तो पेंट आइन। अगर डबल रिपीट आ जाए तो यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे आ गया ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे क्योंकि नज़दीक है वन टू थ्री फोर फाइव तो पेंट हो जाएगा, वन पे भी है थ्री पे भी है तो वन और थ्री पे डाई आइन हो जाएगा, ठीक है वन और थ्री डाई। आई थिंक क्लियरली समझ गए, आपका है अल्केन अल्किन और अल्काइन को इस तरह से सेटअप करके रखेंगे। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट थोड़ा देखें आप, अब थोड़ा सा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट पे आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल मान लें यहाँ पे सी है, सी है यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी टू एच फाइव है। देखिए सी एच थ्री और सी टू एच फाइव आपको ध्यान में रखना है, सी एच थ्री को बोलते हैं मिथाइल और सी टू एच फाइव अगर आ गया तो उसको बोलते हैं इथाइल, ज़्यादातर आपको यही मिलने वाला है क्लास टेंथ वगैरह में। तो मिथाइल और इथाइल, सी टू एच फाइव इथाइल, सी एच थ्री मिथाइल, दिमाग में सेट कर लेना। तो यहाँ पे हो गया सी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, वन दो तीन चार पाँच छः, ठीक है दो तीन चार पाँच, यहाँ पे दो तीन चार पाँच यहाँ पे लिख देंगे ऐसा है, ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दो तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः, तो किधर से लंबा चेन है आपको इस साइड से, तो देखिएगा वन टू थ्री इधर से करेंगे इसे बगल में पड़ रहा है फोर फाइव सिक्स सेवन, देखिए थ्री पे क्या है मिथाइल है, थ्री पे मिथाइल है और फोर पे इथाइल है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पहले किसको लिखना है इथाइल ई और एम, मिथाइल एम अल्फाबेट में पहले क्या आता है ई आता है उसके बाद एम आता है, पहले ई लीजिएगा तो फोर पे इथाइल हो गया, फोर पे इथाइल हो गया, थ्री पे मिथाइल हो गया, थ्री पे मिथाइल हो गया क्योंकि सात है तो हेप्ट है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो गया, तो ये हो गया आपका नॉर्मल क्लचर। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली समझिए किस तरह से अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करेंगे, ये हो गया आपका नॉर्मल क्लचर विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो क्या करेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए एल्डिहाइड, देखिए फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स याद रखिएगा, आप फॉर्मेट लास्ट में लिख देंगे किस पे आप नॉर्मल क्लेट करते हो, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर है अभी थोड़ा सा बताते हैं आपको, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्रीफिक्स भी दो प्रकार का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान देंगे। तो प्राइम सफिक्स होता है, देखिए सफिक्स होता है जो वर्ड रूट के बाद हम लगाते हैं, जैसे माने लिखें हेप्ट एन, ठीक है ये लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है हेक्स इन, या फिर लिखा हुआ है पेंट आइन, या लिखा हुआ है हेप्टेनॉल, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है
या फिर प्रोपेनॉल, ये सब इतना लिखा हुआ। तो देखिए वर्ड रूट के बाद क्या आया, हेप्ट के बाद एन आया, हेक्स के बाद इन आया, टेंट के बाद आइन आया, ध्यान देंगे बात को। फिर यहाँ पे हेप्टेन की, हेप्टेन के बाद आया ऑल एल्कोहल, हेक्सेन के बाद ओइक एसिड कार्बोजेनिक एसिड, प्रोपेन के बाद ऑन, ऑन का मतलब कीटोन। तो ये सब देख रहे हैं एन इन आइन, कोई फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जैसे ओइक एसिड ऑल कीटोन ऑन एल्डिहाइड का अल ओइक एसिड कार्बोजेनिक, ये सब क्या है सफिक्स है जो कि वर्ड रूट के बाद लगता है हमेशा। आपको फॉर्मेट दे देंगे किस पर कैसे पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये हो गया एन इन आइन आता है, एन इन आइन हो गया प्राइमरी सफिक्स, एन इन आर आइन प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। लास्ट में जोड़ेंगे वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है सफिक्स। सेकेंडरी में आ जाता है जो भी फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्कोहल ऑल अल एल्डिहाइड ऑन कीटोन ओइक एसिड, ये सब है सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या, प्रीफिक्स ऑलवेज आएगा वर्ड रूट के पहले, ये सफिक्स जो आएगा आफ्टर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट का मतलब ये सब। और प्रीफिक्स जो आएगा बिफोर वर्ड रूट, बिफोर वर्ड रूट, वर्ड रूट के पहले, वर्ड रूट के पहले जो भी चीज़ आप लिखते हो चाहे ब्रांच वाला पार्ट लिखते हो, ब्रांच वाला पार्ट आता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी जिसे मान ले लिखा हुआ है, प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आता है जैसे कि ये साइक्लो, अगर से कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, बाई साइक्लो आता है, हालांकि बाई साइक्लो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, एस्पायरो नहीं पढ़ना, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे प्राइमरी ये है साइक्लो। सेकेंडरी क्या, ठीक है, सेकेंडरी होता है आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो कि कार्बन चेन के ऊपर में लटका हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी में से आ गया मिथाइल, इथाइल, समझ रहे हो, ब्रोमो, कोई भी हेलोजन वाला, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब इथाइल मिथाइल ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ये सब जो होता है जो ब्रांच पे लटका हुआ है बोलते हैं टू ब्रोमो प्रोपेन। तो ये सब पहले क्या होता है वर्ड रूट के पहले आया जाता है, ये सब चीज़ ध्यान रखें, ये सब प्रीफिक्स है। जैसे मान लें लिखा हुआ है, हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, इतना बात को आप नोट कर लो, बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे रख दिया है आपके लिए, आप चाहो तो इससे बहुत कुछ ले सकते हो, बहुत आसान कर दिया मैं पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसको आपका स्क्रीन शॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम कि मैं आप लिखता हूँ, जैसे मान लें यहाँ लिख दिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा करके, यहाँ पे है सी एच थ्री है और यहाँ पे सपोज है आपका बी आर है, सपोज यहाँ पे से। तो यहाँ पे हमारे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग करेंगे कि इधर से प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको बता दिए हैं, ब्रोमीन के बाद आएगा कोई भी मिथाइल इथाइल तो इधर से काउंट करेंगे, तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, ठीक है। तो टू पे मिथाइल है, वन पे ब्रोमो है, पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल, वन ब्रोमो, वन पे है ब्रोमो, वन ब्रोमो, ठीक है, वन ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे हम लोग वन ब्रोमो के बाद वन ब्रोमो टू मिथाइल, टू मिथाइल साइक्लो, साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक है, एक दो तीन चार पाँच छः, हेक्स क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है साइक्लो हेक्स। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है प्राइमरी है ये, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है, ध्यान रहे प्रीफिक्सेस जो लिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है वर्ड, अगर फॉर्मेट देखा जाए तो कैसे कैसे आप यूज करोगे, ये हो गया आपका सेकेंड प्रीफिक्स। सभी चीज़ देखिए आ रहा है वर्ड रूट के पहले, ये भी आया वर्ड रूट के पहले, जो कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट था, जो कि ब्रांचिंग था, साइड चेन था, वही पहले आया। साइक्लो भी वर्ड रूट के पहले आया, साइक्लो अगर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, शुरू में साइक्लो हेक्सेन, अगर मान लो कोई ब्रांच नहीं है तो पहले क्या लिखोगे साइक्लो हेक्सेन, मान लो यही चीज़ पे कुछ नहीं रहता तो इसका नाम क्या होता साइक्लो हेक्सेन। तो साइक्लो भी क्या है वर्ड रूट के पहले आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी सब वर्ड रूट के पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो वर्ड रूट के पहले क्या होता है प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं सफिक्स बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं, क्लियर होंगे। अब देखिए मैं फॉर्मेट आपको देने वाला हूँ किस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करोगे।
किस तरह से आप नोमेनक्लेचर करोगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग आपको फॉर्मेट में लिखा देता हूँ किस तरह से लिखा जाता है नोमेनक्लेचर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले लिखिएगा आप सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी वाला वही साइक्लो वाला, साइक्लो या बाई साइक्लो आपको साइक्लो मिलेगा, प्लस वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद प्लस प्राइमरी सफिक्स एन ई नाइन, प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा एन है, इन है और आइन है, और प्लस सेकेंडरी सफिक्स में जैसे कि आपका एल्कोहल में क्या होता है ओ एल ऑल हो गया, एल्डिहाइड ए एल, कीटोन ओ एन, ओइक एसिड, ये सब क्या जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लिया अभी भी लिखा हुआ था, ठीक है, ये सारे जैसे मान लिया ऐसा है, अभी जस्ट लिखे थे कि सी एच थ्री यहाँ पे लिखे थे हम मिथाइल और यहाँ पे ब्रोमीन था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वन टू, मैंने टू मिथाइल कहते हैं, पहले हो जाएगा वन ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकल लिखना है वन ब्रोमो, टू पे मिथाइल है क्योंकि साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो, हेक्स है छः कार्बन है साइकिल में क्योंकि हर जगह एन है ई है, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं ये जो हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये हेक्स हो गया वर्ड रूट, उसके बाद एन क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सेकेंडरी सफिक्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो ये हो गया फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस पर कोई भी नोमेनक्लेचर आप कर पाते हैं। आप देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ, इसको आप नोटिस, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो भी आपका ब्रांचिंग में रहता है, साइक्लो रहेगा तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स, बाकी वर्ड रूट उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन ई नाइन, सेकेंडरी सफिक्स पूरे फंक्शनल ग्रुप। अब इसे मान लो यहाँ पे लिखें CH3, CH2, CH3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप इधर से भी यहाँ से कीजिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, तो 2 पे क्या है, 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल, पेंट है तो पेंट क्योंकि सिंगल बॉन्ड है पेंटेन हो जाएगी। देखिए ये जो आया यहाँ पे 2 मिथाइल वर्ड रूट के पहले आया तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्योंकि साइक्लो नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स गायब है, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया वर्ड रूट, उसके बाद क्या आ गया प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या है एन है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, इज इट क्लियर, सारी चीज कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं, उसके बाद में इस लेक्चर को नोमेनक्लेचर आपका आप बना सकते हो, कहीं से बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मान लिया यहाँ लिखती है CH3, CH, CH3, CH2, यहाँ पे COOH है, ओइक एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड है, ये सबसे पहले हम अल्कोहल लेके चलते हैं आसानी से, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब बगल में रहेगा उधर से काउंट कीजिए, तो 1, 2, 2 पे क्या लंबा चेन क्या है 1, 2, 3, 1, तो 2 पे क्या है मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1, 2, 3 प्रोपेन है, लिख लीजिएगा प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑल ओ एल, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट, ठीक है, और ये हो गया ओ एल आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए एन है प्रोपेन, यहाँ पे प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स ओ एल लगा हुआ, मतलब कि पेरेंट कंपाउंड का जो नाम दे रहा है क्या है वो है एल्कोहल, समझ रहे ओ एल, तो आप समझ गए कि प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हम किसको बोला करेंगे। अभी हम बहुत सारे और क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं, अगर ये हम लोग 8 से 10 नोमेनक्लेचर कर लेते हैं तो आपका क्लास 10th का जो नोमेनक्लेचर जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका कवर हो जाएगा। तो ध्यान देखिए किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे धीरे वन बाई वन। सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर आपका दिया हुआ है ये
इसका नाम लिख रहा है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3 4 का, ठीक है। और यहाँ भी लॉन्गेस्ट है, हम लोग काउंट किधर से करेंगे, इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। तो 2 पे क्या हो गया, 2 पे आपका मिथाइल है, 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, इधर से काउंट होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल और 1 2 3 4 मतलब कि ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन लगा देंगे और सफिक्स क्या आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सफिक्स और प्रीफिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से काउंटिंग किधर से होगा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो, सबसे पहले 3 ब्रोमो लिखेंगे, इसलिए अल्फाबेट में बी पहले आता है। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है और बाकी ब्यूटेन है और ऑल है, तो ब्यूटेन ऑल या फिर ब्यूटेन वन ऑल, ये क्योंकि साइक्लिक है, 1 2 3 4 5 साइक्लिक साइक्लोपेंटेन का है, 5 कार्बन का रिंग है। यहाँ पे है साइक्लोपेंटेन ऑल क्योंकि अल्कोहल लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यहाँ पे ध्यान देंगे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप देखे दिख रहा है आपको, काउंटिंग 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, हो जाएगा पेंट हो गया 1 2 3, 3 पे क्या है, इन है पेंट, 3 इन, और 1 पे एल्डिहाइड है, तो 1 पे आप अल लिख सकते हो, या फिर आप साथ में इसको भी लिख सकते हो पेंटिनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कीटो ग्रुप है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन ऑन, ओ एन ई ऑन फॉर कीटोन होता है, ये हो गया अभी कीटोन है, देखिए भी कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोपेंटेनॉन, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि RCOR एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप में क्या लिखेंगे, ये मिथाइल हो गया अल्काइल मिथाइल, इधर लिखते हैं मिथाइल 1 2 मिथाइल इथेनोइट या फिर मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान दें CHO है, ध्यान दीजिएगा ये कौन सा ग्रुप है, CHO है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 चार हो गया आपका, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो लिखिएगा 2 पे मिथाइल है क्योंकि 4 कार्बन का चेन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन अल, अल का मतलब एल्डिहाइड। लास्ट में देखिए सर कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको इस नॉमेनक्लेचर में, ये तीनों में, इसको बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन का एक कॉमन नेम है जो आपको याद रखनी होती है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन भी, क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है, याद हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 2 मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं लंबा चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल काउंट जब करेंगे तो यहाँ पे हो गया, क्या इधर किधर से काउंट करें 1 2 3, इधर काउंट करना होगा 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है और क्या है, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। या देखिए यहाँ पे 11 में दिखाई देखेंगे 1 2 3 मीन्स 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 2 पे डाइमिथाइल बता चुके थे नॉर्मल क्रिएचर में, और बाकी क्या प्रोपेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन के नाम से भी ये जाना जाता है। और इतना अगर आप करके जाते हो एग्जाम में, इतना अगर आप नॉमेनक्लेचर आप कर लेते हो और इतने पे पकड़ होता है, तो आपका एग्जाम में नॉमेनक्लेचर नहीं छूटने वाला है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन जो पढ़ना है, जैसे कि आपका सब स्टार्ट करेंगे हम कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, कंबशन रिएक्शन, उसके बाद बताएंगे आपको कंबशन रिएक्शन के बाद है आपका ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपका किससे, आपका ये एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एडिशन रिएक्शन सॉरी कंबशन रिएक्शन, तो ये चीज़ आप नोट कर देंगे तो अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, आपको ध्यान देंगे कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ के जाना है, ये इसके बाद का ये पढ़ाने के बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस कुछ हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं इस चैप्टर में, जो कि आपको पढ़ के जाना है,
सीबीएसई इससे सवाल भी किया करती है, कुछ थ्योरेटिकल सर आप सवाल भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन पे आधारित भी सवाल होते हैं। तो आप ध्यान देंगे किसी पहला चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कम्बशन रिएक्शन। तो कम्बशन रिएक्शंस में क्या होता है ध्यान देंगे, कम्बशन रिएक्शंस की क्या कहानी है। कहता है जब भी कम्बशन कब होगा, जबकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या है ऑक्सीजन, क्या है एक सपोर्टर ऑफ कम्बशन है। कम्बशन का मतलब एक तरह से कोई चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब कम्बशन रिएक्शन, जल रहा है कोई चीज़ देख रहे बर्न हो रहा है उसको बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन। तो कहता है कम्बशन रिएक्शन वो रिएक्शन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच, कहता है द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस कम्बशन। कोई भी चीज़ जलेगा ध्यान देंगे, सिंपल से समझने के लिए कोई भी चीज़ जलता है तो हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है। कोई भी का कम्बशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, कम्बशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यही चीज़ है कम्बशन रिएक्शन से। तो इसे मान ले कि हम बात करते हैं ना कि पहला चैप्टर में इसका जिक्र है, जैसे आपने पढ़ रखा उसमें भी एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ था, रिस्पायरेशन कंसिडर है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सब कुछ है ना, तो वहाँ पे कम्बशन रिएक्शन। तो यहाँ भी कम्बशन होता है, क्या है, जैसे मान ले कि हम CH4 लेंगे, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसका अगर कम्बशन कराओगे तो CO2 और H2O मिलेगा और इसी तरह से आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी, ये एनर्जी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का कम्बशन कराने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इससे पता चल जाता है आपको क्या कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, मान लें कि अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, किसी का आप कराओगे, मान लें C2H4 है, ये अल्कीन है, इसका भी हम करवाएंगे क्या मिलेगा, CO2 और वाटर। एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन का आप कम्बशन कराओ, कम्बशन रिएक्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, द प्रोडक्ट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके लिए आपने फिक्र रहो, मान लें यहाँ पे होगी अल्केन, अल्कीन ये होगी अल्काइन, अल्काइन हो गया C2H2, इसका भी कम्बशन कराएंगे, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन को हमारा फेमस सा गैस है जो कि वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है, वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं। वेल्डिंग पर्पज़ के लिए क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन, देखते हैं कोई चीज़ को लोहा को जोड़ना रहता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ना, देखते हैं रेलवे ट्रैक में जो लोहा लगा रहता है उसको जोड़ने का काम होता है, कहीं भी आपको लोहा वगैरह के जोड़ने का जो काम आता है तो उसको बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे कौन सा गैस यूज होता है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सोएसिटिलीन बना लेता है और वहाँ पे अपना एक काम शुरू हो जाता है। एसिटिलीन यहाँ भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे एसिटिलीन, तो जितना भी हाइड्रोकार्बन है, ध्यान देंगे जितना भी हाइड्रोकार्बन है सब क्या, कम्बस्टेबल है, सब क्या है, कम्बस्टेबल, जितने भी हाइड्रोकार्बन है कम्बस्टेबल, इसलिए वो कम्बशन रिएक्शन को शो करता है। कम्बस्टेबल मतलब जलने वाला, ज्वलनशील होता है जिसको बोलते हैं, वो जलने वाला होता है और हाइड्रोकार्बन। हाँ बात अलग है कि हो सकता है कि सबसे जो आपका क्लियर फ्लेम से जलने वाला हाइड्रोकार्बन जो अच्छा फ्लेम देता है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, NCERT लिखा हुआ है इस चीज़ को, इस लाइन पे, जो क्लियरली के जलने वाला है, जो कि आपको एकदम आपका ब्लू फ्लेम से बर्न करता है, तो उससे उसको बोला जाता है आपका, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो किस में आता है, सैचुरेटेड, अगर एकदम ब्लू फ्लेम दे रहा, क्या दे रहा, ब्लू फ्लेम का मतलब है क्लियरली जल रहा है, क्लियरली बर्न हो रहा है, ध्यान देंगे हम ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं, क्या है कि क्लियरली ब्लू फ्लेम है तो क्लियरली क्या हो रहा है, बर्न कर रहा है। तो ब्लू फ्लेम कौन देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मान लें कि मीथेन जब जलेगा ना तो एकदम क्लियर फ्लेम मिलेगा। ब्यूटेन जलेगा ना, जैसे कि हम सिलेंडर में जो जलाते हैं गैस LPG, उसमें क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर रहता है, तो ये सब जो भी इथेन वगैरह ये सब बहुत कम्प्लीटली जलता है, आसानी से जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, लेकिन यहीं पे अनसेचुरेटेड लेते तो वहाँ पे सूटी फ्लेम से जलता है। सूटी फ्लेम का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं येलो फ्लेम्स के लिए क्रिएट करता है। येलो फ्लेम्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि उसका कम्बशन अच्छे से कम्बशन नहीं हो पाता है, कि वहाँ पे येलो कम्बशन, जैसे आप देखते हो कि अगर हम ये इसको परखने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देखिए NCERT ने क्लियर लाइन में लिखा हुआ क्लास 10 में कि मान लें यहाँ पे हम जला दिए इसको, एक यहाँ पे अल्केन को जला रहे हैं, ठीक है, कम्बशन कर रहे हैं, अल्केन का कम्बशन कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई अल्कीन का कम्बशन कर रहे हैं,
समझ रहे। और जब कम्बशन होगा तो इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसा कोई ई लगा देते हैं इस तरह से। देखिए अब पता चलेगा कि आपको ये इस तरह से ऊपर से मेटालिक प्लेट लगा देते हैं, ऊपर से मेटल का कोई प्लेट लगा देते हैं, कोई भी लगा देते हैं, एल्यूमिनियम का प्लेट लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो बर्न करेगा अच्छी तरह से, तुम्हारे CH4 है, अगर इसका फ्लेम अच्छा है, ग्रीन है या ब्लू फ्लेम है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो आप यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर ये मेटल प्लेट के अंदर कोई कलर ब्लैक कलर नहीं छोड़ेगा, ब्लैक कलर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड में है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। आप देखते जो चीज़ अगर घर में ही देखते हो, जब येलो फ्लेम आता है ना, तो कोई भी चीज़ बर्तन क्या होता है, आपका ब्लैकेंड हो जाता है। ब्लैकेंड जब भी होता है रीजन लिखना पड़ता है, क्या ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता, हो सकता है बर्नर के बर्नर में आपका ब्लॉकेज हो गया होगा, डस्ट जमा हो गया होगा, क्लियरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा तो इनकम्प्लीट कम्बसन हो रहा होगा, इनकम्प्लीट कम्बसन जब भी होता है तो ब्लैकेंड हो जाता है आपका, क्या जी यूटेंसल्स क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बसन। तो एक्चुअली देखिए, अगर सिंपल सी बात है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम नहीं देता है, ये सूटी फ्लेम देता है, हाँ वो भी सूटी फ्लेम देगा, वो भी येलो फ्लेम देगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसका कब, जब उसका इनकम्प्लीट कम्बसन हो किसी वजह से, ठीक है। जैसे मान लें कि ऐसा नहीं है कि ये ब्यूटेन है सिलेंडर में, जो ब्यूटेन रखा हुआ है C4H10 उसको जलाते हैं तो येलो फ्लेम नहीं देता, वो भी येलो फ्लेम दे सकता है। हो सकता है कि उसके बर्नर के चारों तरफ क्या है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भर जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई हो जाता है, जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होगा और बर्तन हमारा काला हो जाता है। यही है आपका कम्बशन फेज, इससे ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी नहीं लिखा, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये CO2 और H2O सारे में कॉमन है, और एक एग्जाम्पल दे के रखा है, जैसे कि मान लें कि ये NCERT, जैसे कि इथेनॉल C2H5OH, इसका भी कम्बशन करा दिया तो यहाँ भी क्या मिला, CO2 प्लस वाटर। इथेनॉल का भी कम्बशन कराएंगे तो ये मिलेगा। ये तीन रिएक्शन का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का भी रिएक्शन करा रहा है इथेनॉल का CO2 प्लस वाटर, आपका इथिन है अल्किन CO2 प्लस वाटर, अल्केन CO2 प्लस वाटर, कॉमन रिएक्शन विद द लाइब्रेशन ऑफ इनर्जी, इनर्जी देगा क्योंकि कोई भी चीज़ जलता है तो प्रोसेस। कम्बशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है, अल्को बोले कम्बशन रिएक्शन कैसा प्रोसेस है, तो क्या है, एक्सोथर्मिक। कम्बशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कहा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बोलता है, आप पहला चैप्टर को याद कीजिए, एक्सोथर्मिक बोला जहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ करता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इज इट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। आप चाहो तो इसको लिखता हूँ, तो रहेगी एडिशन रिएक्शन, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम इस लेक्चर को। एडिशन रिएक्शन दूसरा है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में होता है, देखिए सिंपल सा बात है, एडिशन रिएक्शन आपसे कोई पूछे तो एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन के दौरान सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड में बदला करते हैं, यही कहानी, ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड को, सैचुरेटेड को नहीं, सॉरी, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड देखिए सिंपल सा सैचुरेटेड को बदल देता है, यही सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलना के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। अगर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा, मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब है कि ये हो गया अनसैचुरेटेड, समझ रहे, ये भी अनसैचुरेटेड यहाँ पे डबल, अगर ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसे मान लें इथिन से बन रहा है इथेन CH3 और CH3, वहाँ पे क्या हो रहा है आपका इथेन, इथाइन से बन रहा है इथिन, डबल बॉन्ड हो गया, फर्दर इसका हम फर्दर ये बदल जाएगा, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इथिन से इथेन बने, या फिर इथाइन से इथेन बने, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाना, इस रिएक्शन का नाम दिया गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन टू सिंगल एडिशन रिएक्शन। अब बात आते हैं कि एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। एडिशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, डबल बॉन्ड कभी भी सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है, तो यहाँ पे देखिए C2H4 है, चार हाइड्रोजन इधर, छः हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इधर जाके ऐड हुआ,
हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन का, यहाँ पे वन एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एडिशन हुआ, इसलिए कि यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे चार था यहाँ छः था, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन एड होगा, यहाँ छः है पहले से, चार है चार दो छः, यहाँ पे छः हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो पहले से कितना हाइड्रोजन है दो, बाद में दो मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद दो दो चार हो गया, यहाँ पे जाके सेटिस्फाइड हुआ। यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या क्या लिख सकता है, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, पैलेटिनम हो सकता है, इस चीज एरो के ऊपर में ये आपका लिखा है। अब बोलिए ये सब क्या, ये है कैटलिस्ट होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, एक नाम दिया गया है इसका, इस रिएक्शन का नाम दिया गया है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसको क्या होता है, सैचुरेट अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आप देखते हैं वो, इसी को बोला जाता है आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसका, बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, समझ रहे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये मीन्स कह सकते हैं वेजिटेबल वायल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, क्या बोला जाता है आपका, फैट्स में घी में बदल देते हैं, तो ये सब चीज़ इससे आप सीख सकते हैं। एक्चुअली ये एनिमल फैट्स में ही पाया जाता है, सैचुरेटेड्स वाला जो होता है ज़्यादा ये होता है, कन्वर्जन उसका मुश्किल होता है, तो ये ध्यान देंगे आप, ये स्टेबल प्रोडक्ट है या अनस्टेबल प्रोडक्ट है, रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन, कोई दिक्कत, एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड से। अब मान एक सवाल इस पर कैसा पूछा जाता है, C3H6 C5H12, इन दोनों में से एडिशन रिएक्शन किस में होगा, तो देखिए कि अल्केन में नहीं होता, अगर एडिशन रिएक्शन किसके लिए वैलिड, हम तीनों लिख दें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर अल्कीन एंड अल्काइन, इसके लिए एडिशन रिएक्शन वैलिड नहीं, इसलिए कि पहले से आप पे सिंगल बॉन्ड, आप सिंगल बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएंगे, दैट इज नॉट द मैटर, मेन चीज़ है कि यहाँ डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन सिंगल बॉन्ड, ऐसे क्लास ऑफ रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं। तो यहाँ पे C3H6 है, इस पे बैठ रहा है, CnH2n के फार्मूला पे बैठ रहा है, एक इसके किन फार्मूला पे बैठ रहा है, CnH2n+2 के फार्मूला पे बैठ रहा है, तो ये जो हो गया अल्केन हो गया, और ये वाला क्या हो गया, अल्कीन हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, तो ये जो है एडिशन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। चलो अब आगे हम मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फाइनली हम इसके बाद फिनिश करेंगे आपका थर्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस, किस में होगा, अल्केन में होगा, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, इधर साइक्लिक रहे चाहे आपका ये अनसाइक्लिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, समझ रहे हैं। अब बात आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तो बोलते हैं स्टेबल, फिर इसमें क्यों रहे, ऐसे नहीं होगा, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जैसे CH4 मीथेन का कराए सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो आप देख लीजिए एरो के ऊपर में क्या है कि मीथेन क्या है ना, एस्टेबल रिएक्टिविटी नहीं होता, तो रिएक्ट करवाना होता थोड़ा इसको एक्साइटेड करना होता, एनर्जी देना पड़ता है, तो उसी से सनलाइट दे देते हैं तब जाके थोड़ा सा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जैसे Cl2 हम दे देंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, ध्यान है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो का क्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल लेगा तो क्या बना देगा, HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके निकल देगा, ठीक है, और एक क्लोरीन आके उस हाइड्रोजन के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CH3Cl, तो क्या बन गया, ये मीथेन है तो इससे बन गया क्लोरोमीथेन,
क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और बाकी HCl निकल गया। इसी तरह से शुरू हो जाता है रिएक्शन, ये स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लिया स्टार्ट हो गया, ये इनिशिएशन है रिएक्शन की, और उस समय तक ये चलते रहेगा जब सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए। सारा हाइड्रोजन खत्म करने का तरीका क्या है, यहाँ पे CH3 फिर Cl2 लीजिए, फिर सनलाइट लिखिए, अगर क्या बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, अब फिर ले लेते हैं CH2Cl2 फिर फर्दर क्लोरिनेशन, तो इस बार क्या बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी आप कहते हो, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब फाइनली ट्राइक्लोरोमीथेन का क्लोरिनेशन करा देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फाइनली वो भी हाइड्रोजन निकल के टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये चीज है फाइनल रिएक्शन, सभी को जोड़ के एक बार लिखना, सबको जोड़ देंगे, सब रिएक्शन को जोड़ देते हैं। CH4 कितने बार क्लोरिनेशन हुआ, 1, 2, 3, 4 तब जाके ये बना, तो CH4 4Cl2 CCl4 और 4HCl, तो ये हो गया फाइनल रिएक्शन। इज इट क्लियर, यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन में होगा, याद रखेंगे, सैचुरेटेड में होगा, वनली एंड वनली सैचुरेटेड में होगा। सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन में होगा, एडिशन रिएक्शन अल्किन और अल्काइन में होगा, और कंबशन रिएक्शन आपका सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो अल्केन है, अल्किन है, या फिर अल्काइन। आप सभी का कंबशन करा सकते हो, वो आइदर अल्केन हो, देखो कंबशन, आपसे पूछे कंबशन रिएक्शन किस किस में होगा, बोलिएगा तीनों में होगा, ऐसे करिए। तरीका रखते हैं, याद करने का एक तरीका आपको देते हैं, एक ट्रिक्स देते हैं आपको याद करने। जैसे अभी हम लोग पढ़े कौन कौन, कंबशन पढ़े, क्या पढ़े, ऐसे पहले हम लोग शुरू से पढ़ते क्या है, अल्केन अल्किन और अल्काइन, अल्केन पढ़े, अल्किन पढ़े और अल्काइन पढ़े। ठीक है, तो अगर कंबशन रिएक्शन पूछेगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन 3A में होगा, 3A का मतलब तीनों A में होगा, 1, 2, 3। कंबशन के बाद आता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन किसमें होगा आपका, अल्किन और अल्काइन, दो ठो डबल में, अल्किन और अल्काइन में, डबल और ट्रिपल में, मीन्स टू, दो दो ठो में होगा, दो ठो में किसमें, डबल या फिर ट्रिपल में, और लास्ट में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम परसेंट किसमें होगा, अल्किन। बोलिए कितनी तरह से आपको आसानी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ तक कवर कर दिया, अब बचा हुआ है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सॉफ्ट डिटर्जेंट। तो मैं क्या करूँगा इस, क्योंकि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल थोड़ा सा लंबा है, तो ये दोनों को सेपरेट रख देंगे, और सॉफ्ट डिटर्जेंट को मैं अलग करने आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी।